हाँ जी चले आ गए। बोल लो, कुछ नहीं कह रहा, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे डरी आ रहे हो, देखो इधर। अभी जो रिएक्शन थी वो टार्ड रिएक्शन थी, जो लेक्चर टू में थी, दैट वाज टार्ड रिएक्शन। आप लोगों को थोड़ी सी तो याद होनी चाहिए। CH3 था यहाँ पे, इसमें क्या ऐड किया था, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, या मैंने बोला CCl4 ले सकते, ऐसे ही बोला, ठीक है। बनेगा क्या, कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैंने बोला था इसके दो यूनिट होते हैं, आप चाहे यहाँ पे टू कर लो चाहे ना करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पेपर में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना है, कौन सा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन उड़ा देने उसके, ठीक है, और लिंकेज बना देने किसके साथ है, लिंकेज बनेगी किसके साथ, क्रोमियम के साथ, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे एक बनना, बोलो कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा, बोलो बोलो, HCOCl, H से शुरू नहीं होगा, O से शुरू होगा, O O O CR O O HCl2 HCl2 नहीं है, O HCl2 O HCl2, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, आया समझ। ये इसे बोलते हैं क्रोमिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी है, यहाँ बन जाएगा फिर CHO, ठीक है, बायप्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बेंजाइट बन गया, रिएक्शन का नाम है टार रिएक्शन, ठीक है, समझ आया, ठीक है। ये थी पहली रिएक्शन, तो आपको अब टॉलुइन से बेंजाइट बनाना आना चाहिए, ठीक है। ओए मिले, समझ आया थोड़ा सा, नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, चलो चले आगे, करें आगे। आगे सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन आप लोग देखो, यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, लिखो, CrO3 लिखो, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है। हलीन अच्छे अच्छे से लिखो, पेन अच्छे से पकड़ो, टॉलविन है, ये भी रिएक्शन टॉलविन से ही होती है, ठीक है। इसमें यहां CrO3 ऐड करना, पहले ना मैं आपको जस्ट करके दिखा देता हूं, CH3CO ट्वाइस ऐसे, ठीक है। यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो देख के आपको लगेगा ये क्या हो गया, कैसे हुआ, ये मैं आपको सारा समझाऊंगा अभी, ठीक है। यहां पे लग जाएगा बच्चे ओ CH3, ये ही लगेगा, ओ दो बार ओ लगेगा, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, इसको हम बोल सकते हैं ये ऐसे होता है बच्चे, एसिटिक एनहाइड्रेट ऐसे होता है, एसिटिक एनहाइड्रेट ऐसे होता है, इधर उधर मत देगा, वीडियो को बीच में चांटा आएगा, समझ गया, देखो कह रहा हूं मैंने, अब ये टूटेगा होमोलिटिक लेवल होगी, यहां से बॉन्ड टूटा, ठीक है, O के थ्रू बॉन्ड बना इसके साथ, यहां लग गया OCOCH3 ऊपर चला गया, समझ आया। यहां से जो H निकलेगा वो यहां आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, आया समझ, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एसिटिक एनहाइड्रेट था, होमोलिटिक लेवल जो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये वाला ग्रुप लगेगा ऊपर, ठीक है। कितनी H रिप्लेस किए मैंने, दो, तो दो यहाँ पे टू आ जाएगा, इसका मतलब एसिटिक एनहाइड्रेट के हमारे दो मोल कंज्यूम होते हैं। पेपर में आप सीधा वहां एक लिख सकते हो, एक्चुअल में दो होते हैं, दो लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज है, ठीक है। माइनस क्या हुआ, माइनस में ये ग्रुप माइनस चला जाएगा, इसके साथ एच लग जाएगा, ये ग्रुप माइनस चला जाएगा, कितने दो बनेंगे, CH3CH2 दो ग्रुप बाहर जाएंगे ना, एक 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 पहले लगा फिर एक और लगा फिर ये बाहर जाएगा, ये समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, आगे समझ, वेरी गुड। इसके बाद देखो ये मैं रख कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं बचा, सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी कि H3O पॉजिटिव, ऐसा करने पे CHO आप पेपर में सीधा लिखोगे प्लस CH3COH लिखोगे पेपर में सीधा, मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, साथ के साथ इधर देखो, यहां से रिएक्शन कैसे हुई देखो, C के साथ क्या H है, यहां पे क्या O, C डबल बॉन्ड हो CH3, यही लगा हुआ, सही है, इधर क्या लगा हुआ, O C डबल बॉन्ड हो CH3, दो ग्रुप लगे हुए ना इसके साथ, समझा, हमने क्या ऐड करना है, वाटर, वाटर के दो मोल ऐड होंगे, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूटा, कार्बन के चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, इधर क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ के लग जाएगा वाटर का, वाटर कैसे टूटा, H+ OH नेगेटिव,
वाटर कैच पॉजिटिव जाएगा बच्चे इसके साथ, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, एक मोल बन गया एसिटिक एसिड का, इधर क्या आ गया OH, ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूटा, फिर से इधर आए इधर OH, दो OH आ जाएंगे एक कार्बन पे, दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड हो, समझ आया, एसिटिक एसिड बाहर, ये सेकंड रिएक्शन, ठीक है, ये आप लोग साइड पे इसका छोटा सा मैकेनिज्म कर लेना, ठीक है, नोट कर, चलो आगे थर्ड क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन, चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन आगे क्या बोला मैंने, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी, पूछो क्यों, इजी होगी और क्यों, ठीक है, देखो क्यों, देखो टॉलरेंस, ये रिएक्शन हमने हैलोजन में भी की हुई है और मैंने वहां पे ना कन्वर्जेंस में भी कराई थी, तीनों एचेट आगे ना तीन सीएल लगा रहे हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, समझ आया, यहां पे CCl3 आ जाएगा -3 HCl, ये समझ आया, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, मैंने देखो इस बार हमने ना एल्डिहाइड बनाना, आप लोगों ने अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, इससे बेंजोइक एसिड बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, हमने एल्डिहाइड बनाना, ठीक है, तो एल्डिहाइड के लिए ना बच्चे दो होते कर सकते हो चेंज, अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो यहाँ पे अच्छा आएगा CH2, कोई डाउट अभिषेक, KOH लिख लो या वाटर लिख लो आपकी मर्जी, वाटर एच पॉजिटिव की रेंज में, ठीक है, यहाँ पे दो सीएल की जगह क्या लग जाएगा, दो वेज लग जाएंगे बच्चे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दो सीएल दो के माइनस 2KCl, ठीक है, ये दो वेज अनस्टेबल होते हैं, वाटर बाहर निकल जाता है, क्या बन गया, बन गया एल्डिहाइड -H2, रिएक्शन समझ आई, सिंपल थी, सीखो हाँ जी, आगे लिखो रिएक्शन नंबर फोर लिखो, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन काफी सिंपल रिएक्शन है देखने में, मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, आपने किया हुआ मैकेनिज्म, देखते हैं किसके माइंड में क्लिक करता है, CO+, ये क्या गैटरमैन की स्पेलिंग देख रहा है, AlCl3, ठीक है, साथ में, हाँ क्या हुआ देखो इसमें क्या होगा, हमें क्या ऊपर लगाना है, CHO लगाना है, एल्डिहाइड लगाना है, तो आपको C दिख रहा है, ठीक है, एक HCl वाला ये आ जाएगा CHO ऊपर लग जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये CO ग्रुप ऊपर चला जाएगा, समझ आया, ये वाला CO ग्रुप ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है, और ये जो HCl है ना, इसको आप चाहो तो यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, ठीक है, बस ये रिएक्शन कैसी होती है, इसका मैकेनिज्म छोटा सा देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे एग्जिस्ट करता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, प्लस इसमें ना HCl ऐड करते हैं, इसमें HCl ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO डबल बॉन्ड, इधर है इधर CO, समझ आया, इधर देखो मैं लिखू मत, ये बन गया इसके बाद AlCl3 का रोल शुरू होता है, अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म किए बहुत सारे, AlCl4 नेगेटिव बनता था हेलोजन में, ये रिएक्ट करते हैं इसके साथ, AlCl3 बीइंग अ लोइज एसिड Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे +1 में भी था ये, तो ठीक है, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिल बन गया बच्चे, ये समझ आ रहा है, ये इलेक्ट्रोफिल, जस्टिन तेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मैंने पहले ही लगा दिया, प्लस HCl2+ ये इधर अटैक कर देगा, इधर चला जाता है, इसका मैकेनिज्म तो आता है सबको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिल कैसे जनरेट हुआ मैंने ये बता दिया, आया समझ,
ठीक है, विद दिस एल्डिहाइड ओनली खत्म, ठीक है, और इसके बाद क्या है कीटोन्स ओनली, राइट।